वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम हो जाए उसके लिए कौन सा ऐसा नुस्खा अपनाएं जिससे कि आपको तुरंत आराम मिले। लेकिन उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज आए कि मैम ये बताइए कि गर्मी में अगर खांसी हो जाती है तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो आज ये वीडियो लेके आई हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनकी खास रिक्वेस्ट थी। अगर आपको गर्मी के मौसम में खांसी हो जाती है तो आप उसके लिए ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपको इंस्टेंट आराम मिले और आप बिल्कुल खांसी जड़ से खत्म हो जाए, यानी कि वापस दोबारा आपको खांसी भी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे उपाय की तरफ। लेकिन आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तरह से सर्दी जुकाम कफ किसी भी तरह से गर्मी के लिए हानिकारक होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में उसे हम जल्दी से ठीक नहीं कर सकते। उसी प्रकार से खांसी हो जाने पर भी हम उसे जल्दी से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इस उपाय से आपकी खांसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि आप एक या दो खुराक लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी खांसी में काफी आराम आया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं होती है जिनको की खांसी कंटिन्यू चलती रहती है। सुबह में ज्यादा चलेगी और रात को सोते टाइम पे बहुत ज्यादा खांसी होगी, दिन भर चाहे उनको खांसी नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनकी खांसी जो है बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि रात को भी खांसी आना बिल्कुल बंद हो। मौसम में अगर आप खांसी से बहुत परेशान हो गए हैं तो इस उपाय को जरूर करें, आपको काफी फायदा होगा। और उपाय को करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ। तो उपाय यह है 20 ग्राम मुनक्का, मुनक्का यानी कि किशमिश, द्राक्ष उसे ही बोलते हैं मुनक्का। हम आपको लेना है मुलेठी, मुलेठी व्हाइट कलर की रहती है, आपको उसका पाउडर फॉर्म लेना है, यानी कि 20 ग्राम आपको उसका मुलेठी का पाउडर लेना है। 10 ग्राम ही आपको बादाम लेनी है, यानी कि तीन चार इतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो चार बादाम इस तरह से आप ले लीजिए। तीनों मिश्रण को आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म में चाहिए। जैसे कि आपको मुलेठी का भी पाउडर बना लेना है, बादाम का भी आपको पाउडर बना लेना है और किशमिश को भी आपको, जैसे पाउडर कैसे बनाएंगे तो किशमिश के बिल्कुल आप छोटे छोटे से उसके पीस कर लीजिए। मिश्रण को मिक्स करेंगे, यानी कि बादाम के पाउडर, मुलेठी और उसमें आप मिक्स करेंगे किशमिश, तो वो इस तरह से मिक्स होने के बाद में उसकी गोलियां बन जाएगी। आप उसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो उसकी छोटी छोटी सी आप गोलियां तैयार कर लीजिए। और दोपहर में, सुबह, शाम जब भी आपको लगता है कि खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तब आप उसकी एक गोली ले लीजिए और गोली के साइज आपको जितनी अच्छी लगती है उतनी बना सकते हैं, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें तीनों चीज इतनी टेस्टी है कि आपकी खांसी में काफी आराम भी पहुंचाएगी और आपको टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको खांसी चलती है या नहीं भी चलती है, अगर रात को भी खांसी होती है तो भी आप दिन में दो बार इस तरह की गोलियों का सेवन करिए और उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद आपकी खांसी जो बिल्कुल छूम अंतर हो जाएगी, रास आ जाती है तो उसको सही करता है। अगर आपके कफ भी जम गए हैं तो से सही करेगा। आपको बार बार रह रहकर खांसी आ रही है तो वो भी बिल्कुल सही करता है। तो मुलेठी का पाउडर आपके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और यहाँ पर बादाम इसीलिए डाला है क्योंकि बादाम खाने से भी बहुत सारे गले की समस्याएं खत्म होती है। हम सोचते हैं कि बादाम का सेवन सिर्फ भिगोकर खाए या फिर इसी तरह से बादाम को खाया जाए, लेकिन बादाम का पाउडर इस तरह से हम मिक्स करेंगे तो इससे भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। किशमिश हमेशा ध्यान रखिए आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाता है, तो आपको किशमिश उसमें मिक्स करने पर उसकी गोलियां जो है वो अच्छे से बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको उस तरह की रेसिपी भी बनाकर बता दूं। तो सेवन आप दिन में दो बार गर्म पानी के साथ लीजिए और आपकी जो गर्मी की खांसी है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। खांसी से बहुत परेशान हो गए तो इस उपाय को आप जरूर अपनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।